नमस्कार, कैसे हैं? आज फिर अपना वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं उन्हीं ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों के साथ में। आज से जो पशु स्वास्थ्य है उससे हम कुछ एक प्रश्न ले रहे हैं, जो कि आप लोगों को जब पशु स्वास्थ्य का आप टॉपिक पढ़ रहे होते हैं तो आप लोग किस प्रकार के प्रश्नों को क्रिएट करें। मैं आप लोगों को बस यही बताना चाह रहा हूँ कि जिस प्रकार के प्रश्न अपने यहाँ क्रिएट करते हैं, पढ़ते हैं, तो आप लोग जब उस पुस्तक को पढ़ रहे होते हैं तो उनमें से आपको उन लाइनों को कैसे पढ़ना है, उन तथ्यों को कैसे पढ़ना है, कि प्रश्न कोई अलग से नहीं बनते हैं, उन्हीं आपके सिलेबस से वो तैयार होते हैं। बस पढ़ने का जो तरीका है वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि कोई भी तथ्य, कोई भी जानकारी है उसको वहीं से उठा करके उसी लाइन से जो आप पढ़ते हैं वहीं से पूछा जाता है। बस आपको पढ़ना है, बड़े ध्यान से पढ़ना है, बहुत शांतिपूर्वक पढ़ना है, और पढ़ते समय आप खुद ये क्रिएट करते चले जाओ कि अगर ये तथ्य ऐसे घूम गया तो ये जानकारी इस प्रकार से पूछ ली गई तो आप ये सारी चीजें जब करते चले जाओ तो बहुत आसान होता चला जाएगा। बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है, आप जो पढ़ रहे हो बिल्कुल शांति से धैर्य से उसको पढ़ते रहे। चलिए फिर भी बात कर लेते हैं कि आज जो मुख्य बात हम जो प्रश्न करेंगे वो पशु स्वास्थ्य से संबंधित होंगे और उसमें किस किस प्रकार के प्रश्न जो है क्रिएट हो सकते हैं, तो मैंने पूरा ध्यान रखा है। चलिए बात कर लेते हैं। पहला प्रश्न है कि साधारणतया पशुओं के शरीर का जो टेम्परेचर लिया जाता है, कि साधारणतया पशुओं के शरीर का तापमान लिया जाता है, तो पशु के शरीर का तापमान कैसे लिया जाता है? हालांकि तापमान डॉक्टरी थर्मामीटर से ही लिया जाता है, लेकिन कहां से, पशु के किस भाग से लिया जा सकता है, तो वो यहां थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और इस प्रश्न में मैंने वो दोनों चीज इसमें डाली है, फिर इस प्रश्न को तैयार किया है। हालांकि अगर साधारणतया बात करते हैं तो मलाश से, रेक्टम से, पशु के रेक्टम से भी टेम्परेचर लिया जाता है। कभी कभार भी ऐसी कोई परिस्थिति हो जाती है कि ये उपलब्ध नहीं हो पाता तो वहां से टेम्परेचर उस पशु का नहीं लिया जा सकता। तो दूसरा जो एक फैक्टर है, वेजाइना में थर्मामीटर को डाल करके पशु के शरीर का टेम्परेचर लिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ ये जो दोनों ही भाग हैं, इन दोनों से ही पशु के टेम्परेचर को लिया जाता है, पता किया जाता है कि पशु का तापमान क्या चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ इस प्रकार का प्रश्न बनता है तो आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि अगर यह आए साधारणतः पशु के शरीर का तापमान लिया जाता है तो साधारण तौर पर मलाशय या रेक्टम से लिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ मैंने दोनों डाले हैं कि मलाशय, रेक्टम या वेजाइना, यानी कि साधारण तौर पर पशुओं के शरीर का तापमान इन दोनों माध्यमों से लिया जाता है। तो अब इसमें मैंने इसको बना दिया केवल ए या ए व डी, तो इसका मतलब है कि ए व बी, डी ऑप्शन तो सही है और ये दोनों ही माध्यम से पशु के शरीर का तापमान लिया जाता है, रेक्टम है और वेजाइना। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए, जब आप पढ़ रहे होंगे तो इस प्रकार के प्रश्न, इस प्रकार की जो जानकारियां हैं वो आपकी बुक में उपलब्ध है और उन जानकारियों को थोड़ा सा आप तरीके से पढ़ लें। उस पर एक प्रश्न बनाया है कि जो घोड़ा का औसत तापमान रहता है, घोड़ा जो है उसका जो औसत तापमान रहता है वो पूछा गया है, तो यहाँ आपको डिग्री सेंटीग्रेड और फारेनहाइट में मिलेगा, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इसका अगर बात करते हैं, घोड़ा का औसत तापमान रहता है वो रहता है 38 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका है 100.5 डिग्री फारेनहाइट। तो इसका जो जवाब है मुख्य रूप से वो तो है ये। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको विभिन्न पशुओं की एक लिस्ट दे रखी है बुक में, तो उस लिस्ट को आप पूरा थोड़ा सा एक अच्छी तरीके से उसको बार बार रिपीट कीजिए, क्योंकि कहीं से भी ये पूछ लिया, जैसे कि इस प्रकार का प्रश्न मैंने तैयार कर दिया, भाई घोड़ा का जो औसत तापमान रहता है कितना रहता है, पूछ लिया जाए। अब अपने को ये तो पता नहीं कि ये पूछेगा नहीं पूछेगा, लेकिन इस प्रकार के प्रश्न जरूर बनते हैं, उन पे आपको ध्यान रखना है।
क्योंकि हम जो उसका जो प्रश्न जो तैयार कर रहे हैं, तो वो अभी जो बात कर रहे थे कि भैया होना सिलेबस में है तो सिलेबस में से ही होगा, लेकिन सिलेबस में वो सारी चीजें होंगी, बस आपको पढ़ना है तो किस प्रकार से प्रश्नों को देखना है। चलिए अगली बात कर लेते हैं। विश्राम अवस्था में, यानी कि आराम की अवस्था में, गोवंशीय पशु की नाड़ी गति होती है, यानी कि जो गोवंशीय जो पशु हैं उनकी नाड़ी की गति कितनी होती है, ये पूछा गया है। कि नाड़ी का संबंध हार्ट से भी होता है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि नाड़ी दर हृदय गति की दर को परिलक्षित कर देती है, और तथा कल नहीं भी करती है, तो इस प्रकार के जो प्रोसेस है। लेकिन यहाँ हम बात करें कि विश्राम अवस्था में गोवंशीय पशु की नाड़ी गति होती है, कितनी होती है ये पूछा गया है। तो 40 से 50 गति प्रति मिनट होती है क्या नाड़ी की? अब देखिए, ये प्रश्न आप कर रहे हैं, तो आप लोग जब भी इसको सुन रहे होते हैं तो उस प्रकार के प्रश्न आप खुद क्रिएट अपने बुक को पढ़ करके करते रहो, उसको लिखते रहो। फिर है 40 से 45 गति प्रति मिनट, या 70 से 80 गति प्रति मिनट, या कोई नहीं। तो देखिए, इसमें कोई नहीं, ये कोई जवाब नहीं है इसका, ये भी कोई जवाब नहीं है, और ये भी कोई जवाब नहीं है। हम विश्राम अवस्था में गोवंशीय पशु की नाड़ी गति जो बताई गई है, वो बताई गई है 40 से 50 गति प्रति मिनट नाड़ी करती है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब यहाँ जो ये सिस्टम आया था 40 से 50 गति, बस ये जो गति प्रति मिनट है ये सबके साथ में लगी हुई है, यहाँ आपको ध्यान रखना, बार बार में इसको लगाया नहीं गया है। अब देखिए, कुक्कुट की नाड़ी गति होती है, तो इसकी नाड़ी गति अगर मैं आपको सीधा बताऊं तो बुक के अकॉर्डिंग होती है 200 से 400 गति प्रति मिनट होती है। कुक्कुट में नाड़ी गति कितनी होती है? 200 से 400 गति प्रति मिनट होती है। अगला प्रश्न है, पशु प्लेग कॉमा गल घोटू रोग है, ये पूछा गया कि पशु प्लेग और ये जो गल घोटू रोग है किस प्रकार का रोग है, ये पूछा गया है। पशुओं में होता है, पशुओं में होता है तो किस प्रकार का रोग है? क्या छूने से हो जाता है, क्या संक्रामक है, क्या उग्र प्रकार का रोग है, किस प्रकार का है, ये पूछा गया है। और इसके साथ साथ में अगर यहाँ हम बात करते हैं, तो पशु प्लेग व गल घोटू जो रोग है वो देखिए सहसर्ग रोग है, कंटनजेंशियस रोग है ये, है ना। अब इसमें संक्रामक रोग, साधारण रोग सभी ये तो है नहीं, इसका जवाब तो यही है, पशु प्लेग गल घोटू रोग एक प्रकार का सहसर्ग रोग है। अब ये बात कर लेते भाई, सहसर्ग रोग जो होता है मुख्य रूप से किस प्रकार का होता है, इस दूसरे प्रश्न का जवाब यही मिल जाएगा। ये इन्हें छूत छूत की बीमारी भी कहते हैं, ये जो है सहसर्ग रोग है इसको छूत की बीमारी भी कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि इस प्रकार से प्रश्न आ जाएगी, निम्न में से छूत की बीमारी वाला रोग है तो वो क्या सहसर्ग रोग है, तो इसका जवाब ये आपको मिल गया है, ठीक है। बाकी कुछ नहीं है। सहसर्ग रोग में होता क्या है मुख्य रूप से, इसमें एक अगर रोगग्रस्त पशु है तो दूसरे पशु के अगर संपर्क में आता है तो वो रोग उसके पास भी पहुंच जाता है, इसलिए इसको छूत की बीमारी भी कहते हैं। चलिए, और ये इस छूत की बीमारी के हो गए आपके उदाहरण, तो आपको इस प्रकार से इनको ध्यान रखना है कि सहसर्ग रोग का उदाहरण है निम्न में से कौन सा है, तो आपको इसको उल्टा जाना है, पशु प्लेग भी है, गल घोटू है, ये अगर आते हैं तो आपको यहाँ ध्यान रखना है मुख्य रूप से। चलिए, तो आपके दो प्रश्न हो गए। ये तीसरा है, एंथ्रेक्स रोग है, ये भेड़ों की बात करें तो भेड़ों में क्या है, एंथ्रेक्स रोग जो है वो आया था, और ये एंथ्रेक्स जो रोग है ये पूछा गया है, भाई एंथ्रेक्स रोग है किस प्रकार का, अति उग्र रोग है, संक्रामक रोग है, सहसर्ग रोग है, या ये सभी है? तो यहाँ ये पूछा गया कि किस प्रकार का रोग है ये, तो ये जो एंथ्रेक्स रोग है भेड़ों में हुआ था ये, तो ये जो है अति उग्र रोग है, अति उग्र रोग है, कौन सा एंथ्रेक्स जो रोग है वो अति उग्र रोग की श्रेणी में आता है।
आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।